गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस मकरोना। उसके लिए मैंने आधा देचकी पानी का लिया है, 2 चम्मच नमक मैंने इसमें डाले हैं और 1 चम्मच घी डाला है। इससे मकरोना लगता नहीं है। जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा हम इसमें मकरोना डाल देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया, 200 ग्राम मैंने मकरोना लिया है और अब हम इसमें डालेंगे। इसको कम से कम 10 मिनट तक हम बॉयल करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, फिर ज़्यादा गल जाता है। 10 मिनट हो गए हैं मकरोने को, हम अभी चेक करेंगे। ये देखें, मकरोना हमारा गल गया। अभी हम फ्लेम बंद करेंगे और सारा पानी निकाल लेंगे इसका। अभी हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। अब मैंने फ्लेम को लो फ्लेम ऑन की है। 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। इसको फुल हल्का गर्म करना, बस ज़्यादा गर्म नहीं करना। अभी इसमें 2 चम्मच हम मैदे के डालेंगे। मैदे को हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए घी खुश्क हो गया। अभी हम इसमें 1 ग्लास दूध डालेंगे। चम्मच को हमने ऐसे चलाते रहना है, लो फ्लेम पे बनाना। अगर तेज पे बनाएंगे तो ये जल जाएगा। ये देखें थिक होना शुरू हो गया। हम ऐसे चम्मच हिलाते रहेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखें ये कितना थिक हो गया, ये देखें। अभी फ्लेम को बंद कर देंगे हम। इसमें अभी हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सॉस हमारा तैयार हो गया है। वो भी पतीली ले लिया जिसमें हमने मकरोने को बॉईल किया था। अभी हमने मकरोने का पानी निकाल लिया था। अभी वो वाला मकरोना हम इसमें डाल देंगे जो हमने बॉईल किया था। इसमें मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। व्हाइट सॉस जो हमने बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। पांच से छह दाने मैंने जैतून के लिए हैं और उनको काट लिया है। एक छोटे साइज की मैंने शिमला मिर्च लिया है, एक छोटे साइज का प्याज लिया है और अब ये सारी चीज़ें मैंने ब्रीक ब्रीक काट ली हैं और अब ये सारी चीज़ें मैं डालूंगी मकरोने में। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूंगी और अभी फुल लो फ्लेम पे मैं इसको दम पे रखूंगी। फुल लो फ्लेम पे बस 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखूंगी। सब कुछ डाल लूंगी। अभी फुल लो फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए मैंने अभी दम पे हो गए हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और वाइट सॉस पास्ता हमारा तैयार हो गया है। और अभी मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। देखें हमारा टेस्टी सा वाइट पास्ता तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।